आखिर आत्महत्या व्यक्ति करता क्यों है, क्या कारण है कि व्यक्ति अपने शरीर की आत्मा को अपनी इच्छा से बाहर निकालता है। तो इसका मुख्य कारण है कि कारक तो बहुत सारे बनते हैं कि ये कारण रहा, ये कारण होता है। व्हाट इज द रूट, इसकी जड़ क्या है? तो इसकी जड़ है अग्नि। हमारा शरीर जो पांच तत्वों से बना होता है, उसमें जो अग्नि तत्व है वो बहुत प्रमुख तत्व है। एक्चुअली अग्नि ही सब कुछ है, देन आफ्टर सेकेंडरी कुछ है। अगर आप ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा, ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से 8 मंडलों की शुरुआत अग्नि से ही हुई है। अग्नि ही सब कुछ है। तो हमारे शरीर में जब अग्नि की मात्रा कम होती है तो हम आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं और हम आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो क्या पहले आत्महत्या नहीं होती थी? जो आत्महत्याएं होती थी वो कैसे होती थी? सिर्फ और सिर्फ अग्नि के द्वारा ही ली जाती थी। किसी भी रूप में हो, चाहे वो रानियां हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, भस्म भी जो किया जाता था, जो ऋषि मुनियों के द्वारा कहा जाता था, वो भी अग्नि के द्वारा ही किया जाता था। हम मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के अनुसार लाश को जलाते क्यों हैं? अग्नि में ही समर्पित करते हैं, क्योंकि वो तो वैदिक काल से ही है। अग्नि ही प्रमुख देव है। वेद में इसमें बार बार बताया गया है, 10 मंडल में से 8 मंडल में अग्नि से ही स्टार्ट किए गए हैं। सिर्फ 8वां और 9वां मंडल ही ऐसा है जिसमें प्रथम श्लोक अग्नि से नहीं चालू होता है, इतनी अग्नि की प्रधानता है। और वही अग्नि की कमी ही हमारी आत्महत्या का कारण है। अब हमें ये पता कैसे चले कि हमारे अंदर किस तत्व की कमी हो रही है? ये तभी पता चलेगा जब आप अपने शरीर में खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे शरीर में अग्नि की कमी हो रही है या वायु की कमी हो रही है, पांच तत्व में से किस तत्व की कमी हो रही है। जब भी अग्नि तत्व की कमी होगी आपके शरीर में, तो आपका मस्तिष्क आत्महत्या की ओर विचार करने लगेगा। ये इसको पता करने की क्रिया है। यदि आपके मस्तिष्क में इस प्रकार के कभी विचार उत्पन्न होते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके शरीर में पंच तत्व में से अग्नि की कमी हो गई है। यदि अग्नि आपके शरीर में पर्याप्त होगी तो आपके मन में कितनी भी तकलीफ हो, कभी आत्महत्या का विचार, हत्या का विचार आ सकता है पर आत्महत्या का विचार नहीं आ सकता। अग्नि तत्व अगर आपका पूर्ण है, और यदि अग्नि तत्व की अधिकता आप जितना भी योग के द्वारा पैदा कर सकते हैं, अग्नि ही सब कुछ है, सब कुछ नष्ट अग्नि में ही होता है, और वैदिक काल से सबसे पूजनीय अग्नि है, यज्ञ हवन ही सबसे महत्वपूर्ण है, यज्ञों के द्वारा अग्नि के द्वारा ईश्वर को पहुंचता है हमारा। आप
जरा बुजुर्गों के साथ बैठिए, ये मत देखिए कि वो कितना धनवान है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता योग्यता की जानकारी आप नहीं जान सकते जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको अनेकों ज्ञान। आप बात करिए अपने घर के बुजुर्गों से और उनसे पूछिए क्या यज्ञ पहले जनरली ऐसे ही होते रहते थे जैसे हम हफ्ते महीने भर में, वो कहेंगे हाँ, और नहीं होते थे तो किचन की जो अग्नि थी वो कभी बुझती नहीं थी, वहां अंडा जल रहा है तो सुबह से खाना बना तो जलते 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 जब तक उसका शांत का टाइम हुआ तो फिर शाम का खाने का स्टार्ट हुआ। तो जिस घर में अग्नि होगी उस घर में आत्महत्या होना संभव ही नहीं है, असंभव है। जहां ऊर्जा होती है वहां आत्महत्या नहीं होती। मंदिर एक बात बताइए, सबसे पूजनीय स्थान है हर धर्म का, मस्जिद हो मुसलमानों के लिए, चर्च हो क्रिश्चियन के लिए, पंजाबियों के लिए गुरुद्वारा। क्या कभी कोई धर्म स्थल में जाके आत्महत्या करता है? जब भगवान के पास जाना है तो सबसे अच्छा स्थान तो भगवान का वही होता है, और सुनसान होता है, रात को कोई नहीं होता है, वहां सिर्फ भगवान होता है। आत्महत्या आदमी दिन में क्यों नहीं करता, प्रकाश में क्यों नहीं करता? जहां अग्नि होती है वहां प्रकाश होता है, आत्महत्या हमेशा अंधकार में। वही मैंने कहा जो पूर्व पहले समय में चाहे रानियों के द्वारा जौहर किया जाता था या ऋषि मुनियों के द्वारा अग्नि में बैठ के तपस्या करके शरीर लीन किया जाता था, वो सब अग्नि तत्व को पूजते थे, सबसे पावरफुल वही। ये वैदिक काल से, अनादिकाल से अग्नि को सर्वमान माना गया, सर्वप्रथम माना गया, और अग्नि को कभी दूसरे नहीं माना जाता है। वो दोष रहे थे, वो हर दोष को जला देती है, और इसीलिए ही पुरातन काल में हर चौराहे में जो भी मुख्य चौराहा होता था वहां यज्ञशालाएं होती थी। जहां आज हम चौराहा बना के मूर्ति खड़ी करते हैं किसी विद्वान की, किसी विशेष व्यक्ति की, उसी स्थान में पुरातन काल में यज्ञशालाएं होती थी। यदि अग्नि रहेगी रोग नहीं रहेगा, यदि अग्नि रहेगी आत्महत्या नहीं होगी। मैं आपको, आप इतिहास बता दीजिए या कोई भी बता दे, जिस घर में अग्नि प्रज्वलित होती है उस घर में आत्महत्या नहीं होती है। अखंड दीप जलने वाले स्थान में आत्महत्या होना असंभव है, क्योंकि अग्नि से बड़ा, अग्नि से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। ये अग्नि इस पृथ्वी के बनने से पहले थी, ये अग्नि इस पृथ्वी के नष्ट होने के बाद भी रही, यही अग्नि जिस मानव के शरीर के अंदर होती है, जितनी अधिक होती है उस व्यक्ति में, उस इंसान में उतनी अधिक ऊर्जा होती है। आत्महत्या संभव नहीं है यदि आपके घर में अखंड दीप जलता हो। अग्नि पुरातन काल से, चाहे वो महलों में हो चाहे वो झोपड़ी में हो,
अग्नि हमेशा प्रज्वलित रही है, चाहे वो महल धन दौलत से डूब गए, लेकिन उन्होंने वहां कभी दिए नहीं बंद करे। दिया अग्नि का खत्म होना यानी आत्मा का खत्म होना, बल्ब का प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश में उतना ही अंतर है जितना कि हम जो वायु अभी ले रहे हैं और जो हम वायु वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर वाली वायु लेके आप सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते। वही अग्नि तत्व यदि आप अपने शरीर में लाते, हम आज के समय में धूप को 38, 40, 42 डिग्री पहुंचता है तो मरने का सोचने लगते हैं। आप में यदि अग्नि तत्व होगा तो 50 डिग्री में भी आपको गर्मी नहीं होगी। यदि मनुष्य अपने योग से अग्नि तत्व की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति आत्महत्या क्या, अपने इच्छाओं की हत्या कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति सभी हो जाएगी। आप यहां वहां भटकने का प्रयास मत करिए। हमारे वेद जो कहे गए हैं कि स्वयं ब्रह्म के द्वारा बोले गए, मेरे सोच के अनुसार और हर हिंदू सोच के अनुसार उससे पूजनीय ग्रंथ तो कोई होना संभव ही नहीं है जो वेद है। उन वेद को हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। यदि वो वेद हम सभी के घर में स्थित होगा तो उसमें लिखी हुई ऊर्जाएं आत्महत्या कभी होने ही नहीं। ऋग्वेद में वो अग्नि की ऊर्जा है, 10 मंडल में से 8 मंडल में अग्नि का ही व्याख्यान है। क्या है अग्नि? जहां अग्नि होती है वहीं प्रकाश होता है, जहां अग्नि नहीं होती वहीं अंधकार होता है। तो अग्नि के होते हुए किसी भी प्रकार का अंधकार संभव नहीं है। जिस घर में हवन होता होगा वहां कभी रोगी नहीं रह सकता। सब लिखा हुआ है हमारे वेद में, सबसे पूजनीय वेद हैं, हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। जब वेदों से कोई चीज हमारे पास आते आते इस प्रकार से बदल गई कि वो अर्थ से अनर्थ हो गया। मैं आज से कहता हूं कि आपसे, आप सब लोग अग्नि को स्थान दीजिए। गांव में तो आज भी अग्नि, क्या नाम है, जलती है उनकी खाना बनाने की, तो सुबह 4 घंटे, 5 को शाम को 5 घंटे, इस प्रकार से उनके घर में किसी रूप में अग्नि प्रज्वलित रहे। जो हम शाम को अपनी लाइट जलाते हैं और प्रणाम करते हैं, हम किसको प्रणाम करते हैं?
अग्नि को प्रणाम करते हैं, पर ये अग्नि नहीं है। अग्नि कुछ और है, उस अग्नि को आप प्रज्वलित कीजिए। यदि आपके घर में अग्नि प्रज्वलित होगी, आपके घर में कोई रोगी नहीं होगा, आपके घर में बच्चे विद्वान होंगे, जो वातावरण होगा आपके परिवार का वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा। अग्नि में वो ताकत है कि जीवाणुनाशक क्यों कहा गया है, कीटाणुनाशक क्यों कहा गया है, सूर्य को कीटाणुनाशक क्यों कहा गया है, सूर्य से कीट क्यों मरते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमारे बाहर के कीटाणु को नष्ट करता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसी प्रकार जिस घर में अग्नि प्रज्वलित रहती है, अग्नि होती है, वो हमारे आंतरिक एंटीडोट का काम करता है। वो हमारी आंतरिक जो ऊर्जाएं रहती हैं, ये बाहर से जो आप ऊर्जा संचय योग द्वारा प्राप्त की जाती है, सूर्य में जितनी ऊर्जा है, वो घर में आपके अग्नि होने से आपके अंदर ऑटोमेटिक एक समय बाद अखंड दीप क्या होता है, अखंड दीप क्यों सिद्ध होता है। जिस स्थान पे अग्नि अखंड रूप से प्रज्वलित होगी, उस स्थान पे ऑटोमेटिक ऊर्जा निहित है। उसके लिए ना कोई मंत्र शक्ति की जरूरत है, ना कोई तंत्र शक्ति की जरूरत है, ना कोई यंत्र शक्ति की जरूरत है। आप अग्नि को प्रज्वलित लिए रखिए अखंड रूप से, जितनी वो अखंड होगी वो आपके योग को उतना बढ़ाती जाएगी, वो अपनी ऊर्जा बढ़ाती जाएगी, उस स्थान की ऊर्जा बढ़ाती जाएगी। आप हवन आज से चालू करिए, यदि आप अखंड दीप नहीं जला सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में आप हवन करिए। अग्नि लकड़ी से छोटे से आप, चाहे वो स्टील का बर्तन हो, तांबे का हो, मिट्टी का, उसमें लकड़ी रख लीजिए, दीपक घी का दिया लगा के उसे जला के घी के साथ उसमें लकड़ी रख के जला दीजिए। संविधा के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, जिस घी से जलाया है वही घी आपने ले लिया, चम्मच में किसी भी चीज में जो आपको अच्छा लगता हो। ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम वायुवे नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इंद्र बहुत जरूरी है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, और जो देवताओं का राजा होगा तो देव सब उसी के अंडर में आते हैं। तो यदि आप देवराज इंद्र को याद करते हैं तो आपकी सोची समझ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो आप अग्नि का जो हवन करते हैं, किसी भी रूप में आप अग्नि को आहुति दे, घी की आहुति दे, घी के अलावा आपको नहीं देना चाहते, आपको छोड़ देना चाहते, आप दे दें जो हमारे प्रकृति के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो, उसकी आहुति ही दे। और घी तो सर्वोत्तम है, और गौ घी तो अच्छा कुछ है नहीं। आप जो भी अग्नि में आहुति देते हैं वो साक्षात देव ही लेते हैं, महादेव लेते हैं, आदिशक्ति लेते हैं, परब्रह्म लेते हैं। अग्नि से तो सब कुछ नष्ट होता है, और नष्ट से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ये है अग्नि तत्व। आप हवन को चालू करिए, आप दीपक को चालू करिए, जितनी देर आप जला सकते हैं। देखिए, अखंड दीप अगर संभव नहीं है तो कम से कम सुबह एक बार जला दें, एक बार शाम को जला दीजिए। हम सोच लेते हैं कि सुबह तो जला दिया, शाम को अब क्या करना, शाम को और आवश्यक है। जो कीटाणु की शक्ति होती है वो रात्रि में ज्यादा बढ़ती है,
या हम कहें वैदिक भाषा में कि जो दानवी शक्तियाँ होती हैं वो रात्रि में बढ़ती हैं उनकी शक्तियाँ, और दैविक शक्तियाँ हमेशा दिन में बढ़ती हैं। और जो आत्महत्या है तो अंधकार इसीलिए अंधेरे में की जाती है क्योंकि वो दैवी शक्तियों के द्वारा नहीं की जाती। दैवी शक्ति से आप अग्नि, यदि आप अग्नि तो आप अग्नि में, यही सबसे अनुरोध करूंगा कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है तो उसको मानसिक रूप से समझाने के साथ साथ जो हम साइकोलॉजिस्ट के द्वारा समझाते हैं तो उसके साथ साथ ये आवश्यक है कि अग्नि का प्रज्वलन रखें घर में, वो किसी भी रूप में रखें, सुबह शाम दिया जलाएं, और जब अंधकार में शाम को ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि सुबह का मतलब होता है कि जब सुबह 4-5 बजे का वक्त होता है वो उस समय के लिए कहा गया है, तो उस समय भी अंधकार रहता है, तो सुबह और शाम का यही मतलब है कि अंधकार के समय ही दीपक को जलाएं ताकि उजेला हो। और जो व्यक्ति अखंड दीप जलाते हैं उस स्थान से ज़्यादा शक्ति किसी स्थान में नहीं।